दोस्तों रेलवे में जो रिजर्वेशन होता है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको ढेर सारे मेन्यू दिए हुए रहते हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबरिंग करके। इसमें मेन जो मेन्यू यूज होता है वो है 2 नंबर जिसपे हम रिजर्वेशन करते हैं, 5 नंबर जो कैंसिलेशन करते हैं, और 6 नंबर जो मॉडिफिकेशन होता है आपको टिकट्स का मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आपको जर्नी किसी अगले डेट में करनी है, आपके पास टिकट है, आप नए डेट पे या फिर किसी दूसरे ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं तो उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो फ्रेंड्स आज हम खैर मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन की बात बाद में करेंगे, आज हम देखेंगे हम रिजर्वेशन कैसे करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, जो रेलवे प्रोवाइड करता है उस सॉफ्टवेयर पे रिजर्वेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर मेन्यू हम सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने 2 नंबर मेन्यू को सिलेक्ट किया और उसके अंदर इंटर करते हैं। तो इसमें देखिए आपको ये रिजर्वेशन फॉर्म 2 खुल जाता है। फ्रेंड्स इसमें आपको रिजर्वेशन के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो सारे फीड अप करने पड़ते हैं। आप जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है उसे भर के जब बुकिंग काउंटर पे देते हैं तो जो रिजर्वेशन क्लर्क होता है वो आपको सारे डिटेल्स इनपुट करके आपको टिकट प्रोवाइड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें क्या क्या इंटर करते हैं आज हम जानेंगे। सबसे पहले ट्रेन नंबर हम डालते हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपको गीतांजलि एक्सप्रेस जिसका नंबर है 1212860 उसे मैं इंटर करके दिखाता हूँ। 12860 ये है देखो गीतांजलि एक्सप्रेस, ये आपको ट्रेन का नाम आ गया। आप ट्रेन का नंबर इनपुट करते हैं तो आपको ट्रेन का नाम यहाँ शो करता है गीतांजलि एक्सप्रेस। फ्रेंड्स फिर आप आता है डेट, डेट आपको जिस डेट को आपको जर्नी करनी है वो डेट ऑफ जर्नी डालना है। जैसे मान लीजिए मैं एंट्री करता हूँ डेट का 30 मई का 30/05 30 मई का हमने डेट इंटर कर दिया। फिर है आपको सोर्स स्टेशन जहां से आपको जर्नी करनी है उसे इनपुट करते हैं। चलिए मैं हावड़ा से ही इसे रहने देता हूँ, या फिर आपको मान लीजिए खड़गपुर से जर्नी करनी है या टाटा से जर्नी करनी है तो उसको आपको इनपुट करना होगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इसमें हमें कोड को फीड करना पड़ता है, कोड जानने के लिए हम एक मेन्यू यूज करते हैं Ctrl+R, Ctrl+R अगर हम करते हैं तो वो हमें स्टेशन का लिस्ट दिखाता है विथ कोड। वो कोड के साथ आपको सारे स्टेशन का लिस्ट दिखाएगा कि वो ट्रेन जो है आपको गीतांजलि एक्सप्रेस वो किन किन रूटों से या किन स्टेशनों से होकर गुजरती है और उनका स्टॉपेज कितने देर का है और उसकी डिस्टेंस मतलब सोर्स स्टेशन से डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए मान के चलिए मैं हावड़ा से ही रिजर्वेशन करता हूँ, ये हम Ctrl+A से बाहर आ जाते हैं। हावड़ा जर्नी फ्रॉम हावड़ा कर दिया मैंने, क्लास यहाँ इनपुट करना है मुझे, क्लास हमने डाल दिया मान लीजिए स्लीपर या थर्ड एसी जो भी 3 टायर AC तो 3 ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट कोटा तो जनरल रहेगा, जनरल कोटा जैसे लेडीज कोटा होता है LD, जनरल कोटा सीनियर सिटीजन कोटा का SS फीड करते हैं, बट ये सीनियर सिटीजन रहने पे ऑटोमेटिक कोटा लेता है तो हम इसे जनरल में छोड़ के टैब से आगे बढ़ जाते हैं। फिर है जर्नी टू, आपको जो डेस्टिनेशन जहां जाना है जैसे मनमाड़ जाना है या फिर कल्याण जाना है या मुंबई जाना है तो मुंबई जाना है तो मुंबई ही रहने देंगे CSMT। उसके बाद नेक्स्ट टैब से आगे जाते हैं तो ये पूछता है हमें टैब, उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको दिखाता है कि वेटिंग लिस्ट इस ट्रेन में अभी उस डेट में 11 वेटिंग चल रही है, 11 नंबर वेटिंग चल रही है। फिर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे नेक्स्ट टैब में जाता है नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर ट्रेवल करना चाहते हैं। तो ये आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स कि एक जो टिकट बनती है उसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं नॉर्मल जो रिजर्वेशन होता है उसमें, ठीक है। तत्काल के केस में 4 पैसेंजर्स बुक होते हैं एक फॉर्म में, या फिर बोलिए एक टिकट में 4 पर्सन से ज्यादा अधिक बुक नहीं हो सकते हैं तो इसमें 6 पर्सन अलाउड हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पैसेंजर 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितना पर्सन ट्रेवल करना चाहते हैं उतना। तो चलिए यहाँ मान के चलिए मैं नंबर ऑफ पैसेंजर 2 लेता हूँ। बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन में, जैसे हावड़ा से आपने मुंबई का रिजर्वेशन करवाया लेकिन आपको वहां नहीं बैठकर कहीं बीच में बैठना है, जैसे आपको खड़गपुर में बैठना है या टाटा में बैठना है या इंटरमीडिएट कहीं भी स्टेशन में आपको बिलासपुर में बैठना है तो वो हम यहाँ डाल देते हैं बोर्डिंग पॉइंट। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर मुझे बीच में ही बैठना है तो मैं क्यों नहीं वहां से रिजर्वेशन करवाऊँ, जैसे मान लीजिए मुझे टाटा से बैठना है तो मैं हावड़ा से मुंबई का फेयर क्यों दूंगा, टाटा से क्यों नहीं बनवाऊंगा टिकट, टाटा से मुंबई का टिकट बनवाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हावड़ा से लोग कभी कभी सीट्स जब अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो हावड़ा से टिकट बनवाकर मुंबई तक का टिकट बनवाते हैं ताकि उनको सीट्स कंफर्म मिल जाती है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन से हमेशा देखेंगे आप आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाती है और आप जैसे बैठना है आपको टाटा में तो फिर बोर्डिंग पॉइंट हम टाटा कर देते हैं, ठीक है। अगर वही आप टाटा से टिकट बनाएंगे मुंबई का
तो उसमें आपको अलग वेटिंग दिखाएगी, उसमें आपको फिर हो सकता है ज्यादा वेटिंग मिली जो शायद कंफर्म ना हो, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा ऑप्शन यूज करते हैं। तो चलिए बोर्डिंग पॉइंट हम कुछ भी डालते हैं, जैसे टाटा में डालना है तो टाटा का कोड हम डालते हैं टाटा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इंटर करते हैं प्रेस, तो ये आपको पूछता है डू यू वॉन्ट टू गो फॉर कैशलेस बुकिंग, जो स्वाइप मशीन होता है उसका, तो यहाँ हम नो कर देते हैं। फिर है ये ऑप्शन फॉर विकल्प, विकल्प स्कीम जो अनदर ट्रेन में आपको रिजर्वेशन फैसिलिटी मिलती है, अगर इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका जो रिजर्वेशन है किसी दूसरे ट्रेन में स्विच हो जाता है, तो उस फैसिलिटी के लिए यहाँ पूछता है कि अगर आपको चाहिए तो यस प्रेस कीजिए या फिर नो, तो इसे भी हम नो कर देते हैं। नो करके हमने इंटर प्रेस किया और दो तीन बार इंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपको पैसेंजर्स के नेम्स के डिटेल्स फिलअप करने इसमें। तो चलिए पैसेंजर्स नेम हम फिलअप करते हैं, जैसे मान लीजिए ए कुमार मेल 25। ऑप्शन चॉइस हम डाल सकते हैं लोअर बर्थ मिडिल बर्थ, मगर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये आपका वेटिंग चल रहा है टिकट, हमने देखा था 11 वेटिंग आ रहा था, फिर भी चलिए मैं चॉइस डाल देता हूँ लोअर बर्थ। फिर कॉन्सेशन, जैसे अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन, सीनियर सिटीजन लेडीज जो भी है आपको हैंडीकैप है या फिर कोई पेशेंट है उसका कॉन्सेशन अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद इंटर बर्थ के नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट नाम डालते हैं, मान लीजिए बी कुमार जो मेल है और मेल है और उसकी एज है 30। दोस्तों ये बीच बीच में हमें ब्रेक जो है ये प्रेस एंड टू कंटिन्यू, ये हमें ब्रेक प्रोवाइड करता है ताकि हमारा सिस्टम स्लो रहे। ये सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये ब्रेक हमें दिया जाता है ताकि कोई भी टिकट जो है वो एक लिमिट स्पीड लिमिट पे मतलब बने, ठीक है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन में मिडिल बर्थ का डाल देता हूँ। तत्काल के केस में भी ये ब्रेक हमें मिलता है ताकि कोई भी एक पार्टिकुलर स्टेशन से कोई ज्यादा टिकट ना निकाल सके, इसलिए बीच बीच में ये टाई ब्रेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये हो गया, हमारा कोई कंसेशन नहीं है, फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं हमारा जो कर्सर है वो लास्ट ऑप्शन में आ जाता है कंटिन्यू यस या नो, तो उसमें हम यस प्रेस करते हैं। तो ये एक और फिर आपका फ्लश मैसेज आता है, उसमें पूछता है प्रेस वाई फॉर एक्सेप्टेंस या एन फॉर रिफ्यूजल फॉर अपग्रेडेशन टू हायर क्लास। या अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेडेशन मतलब होता है जैसे आप स्लीपर क्लास में टिकट ले रहे हैं और आपको लास्ट टाइम तक अगर ट्रेन में थर्ड एसी की सीट बची हुई है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, या फिर जैसे आप थर्ड एसी में टिकट बना रहे हैं और सेकंड एसी की सीटें ट्रेन में वैकेंट रह जाती हैं तो आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दिया जाता है सेकंड एसी क्लास में विदाउट एनी चार्ज। तो चलिए इसे हम यस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नया पेज खुलता है जिसमें ये इसमें हमें कुछ डिटेल्स नहीं भरनी रहती, बस हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं और इसमें हम मोबाइल नंबर के कॉलम में आकर मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मोबाइल नंबर में एंट्री करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, फिर इंटर से प्रेस करके कंटिन्यू करते हैं वाई करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रिंटिंग का पेज ओपन हो जाता है, इसमें आपको पीएनआर नंबर टिकट नंबर और नाम मेल सारा डिटेल्स आपको शो करेगा। ट्रेन नंबर 12860 टाटा से मुंबई, जर्नी हावड़ा से मुंबई की है, बोर्डिंग पॉइंट हमने टाटा डाला है, 30 तारीख का टिकट बनाया थर्ड एसी का, उसमें आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा और लास्ट में एक मैसेज आप देख रहे होंगे प्रोसीड फ्लश और रीस्टार्ट का पी, इसमें पी पी अगर हम प्रेस करेंगे तो ये टिकट प्रिंट हो जाएगी प्रोसीड हो जाएगी, एफ एफ करेंगे तो फ्लश हो जाएगी, अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो फ्लश हो जाएगी, या फिर आर से हम कॉपी कर सकते हैं इस मैसेज को, जैसे मान लीजिए पी पी करेंगे तो प्लस प्रिंट हो जाएगी, आर आर करते हैं तो ये फिर सेम नाम कॉपी होकर हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा, अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो उसे हम आर आर से कॉपी करके आगे फिर बढ़ सकते हैं। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, ऐसे रिजर्वेशन होता है रेलवे में, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी जो भी व्यूवर्स हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ये नॉलेज मिलता रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में।